मत्ती 13:44 में बाइबल कहती है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे एक मनुष्य ने पाया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया और सारा धन उसका हो गया। ये दर्शाता है कि कैसे हम उग्र होकर प्रभु के अनुयायी हो सकते हैं। अगर हम सच में प्रार्थना की गहराई में उतरना चाहते हैं, प्रभु को और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम उसे खोजने वाले बने। यही एक उग्र अनुयायी के लक्षण है। इस मनुष्य ने उस खेत को ही मोल ले लिया ताकि धन का वारिस हो सके। देखिए, वो किसी भी तरह उस धन को प्राप्त करना चाहता था। पर हम में से कई विश्वासी, हम धन तो चाहते हैं पर खेत मोल लेना नहीं चाहते। खेत मोल लेने का अर्थ है हम एक प्रक्रिया में से होकर गुजरते हैं। ये प्रक्रिया प्रभु की इच्छा के अनुसार होती है। आपके पास क्या है प्रभु को इसे सरोकार नहीं, वो ये देखता है ये आपको कैसे मिला। उसे आपको अपनी प्रक्रिया में से लेकर जाने की परवाह है, ताकि जब आपको वो मिल जाए जो वो आपको देना चाहता है, तो आप उसका महत्व समझ सकें। खेत मोल लेना अक्सर आसान नहीं होता। यीशु मनुष्य का रूप धारण करके आया, हमारे पाप के लिए मारा गया, ताकि आदम ने जो गंवा दिया और जो शैतान ने जब्त कर लिया, उसका फिर से अधिकारी बन सके। और शैतान यीशु के पास आया और उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, संसार के सारे राज्य मैं तुझे दूंगा, बस तू एक बार मुझे प्रणाम कर। देखा, ये सब परमेश्वर यीशु को पहले ही देना चाहता था, और वो ये सब यीशु को देता क्रूस के बाद। तो शैतान यीशु को वही देना चाहता था जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार था, परंतु प्रक्रिया के बिना। तो ठीक यही कई विश्वासियों के साथ होता है। हम तुरंत अंतिम परिणाम चाहते हैं बिना प्रक्रिया के, और इस प्रक्रिया में यीशु की क्रूस शामिल होती है। इस प्रक्रिया में वास्तव में क्रूस में से होकर गुजरना पड़ता है, यानी अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। इस मनुष्य को खेत मोल लेने की प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ा। कुछ खरीदने की प्रक्रिया में आदान प्रदान होता है, उसे कुछ छोड़ना पड़ा और उस खेत को मोल लेने के लिए उसे कुछ देना पड़ा। अब आप में से कई सोचते होंगे कि क्यों नहीं उस व्यक्ति ने जाकर उस खजाने को ही खरीद लिया, बल्कि उसने खेत मोल लिया। वो जानता था वो उस खजाने को नहीं खरीद सकता। उस खजाने को खरीदने के लिए उसके पास दाम नहीं था, इसलिए ही तो उसने अपना सब कुछ बेच डाला ताकि उस खेत को मोल ले। अगर आप देखते कि वो अपना सब कुछ बेच रहा है, तो शायद आप सोचते, इसका शायद दिमाग खराब हो गया, इसलिए तो ये सब कुछ बेच रहा है एक खेत के लिए। और आप ऐसा इसलिए कहते क्योंकि आपने छिपा हुआ धन नहीं देखा। पर अगर आप वो धन देख लेते, तो आप समझ जाते उस खजाने के बदले में सब कुछ बेचना बुरा सौदा नहीं था। तो अगर आपने वो छिपा हुआ धन नहीं देखा होता, तो आप कभी उस कारण को नहीं समझ पाते कि क्यों कर उसने अपना सब कुछ बेच डाला। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग जिन्होंने छिपा हुआ धन नहीं देखा, उन लोगों से कभी भी खेत खरीदने की अनुमति ना लें। क्योंकि जब आप प्रभु के पीछे चलने के लिए उग्र होते जाएंगे, तो कई लोग आपको रोकने की बातें करेंगे। अरे जरा सुनो, आप ठंडे दिमाग से फैसला करो, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, उपवास रखने की क्या जरूरत है, दुआ की क्या जरूरत है, आप जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसलिए उपवास और प्रार्थना करें और उग्र होकर प्रभु को खोजें, क्योंकि आपको उसका प्रेम अर्जित करना है। मैं प्रभु के प्रेम को पाने के लिए उपवास प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रभु के प्रेम के कारण उपवास प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वीकार किए जाने के लिए उपवास प्रार्थना नहीं करता, मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ क्योंकि स्वीकार किया गया हूँ। तो इसमें बड़ा अंतर है। मैं कुछ अर्जित नहीं करना चाहता, परंतु इस मुद्रा में आना चाहता हूँ कि वो सब प्राप्त कर सकूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले ही रखा है। और जानता हूँ इसके लिए मुझे उस प्रक्रिया में से होकर गुजरना होगा। और आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप खेत मोल लेने की प्रक्रिया का अनुसरण करें। निरुत्साहित ना हो, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर के लिए तकलीफ देह होती है। फिर भी अगर आप गौर करें तो लिखा है कि उस मनुष्य ने अपना सब कुछ बेच डाला, क्योंकि उसे उस धन से बड़ा आनंद मिला। उस आनंद के बदले वो कुछ और नहीं चाहता था, वो उसके बदले कोई अन्य वस्तु नहीं चाहता था। जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति के धन का एहसास होता है, तो आप समझ जाते हैं इस पृथ्वी पर उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और आप तत्पर हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए आप अब कुछ भी दे सकते हैं। आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं या परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए आपको अपना समय और ऊर्जा देनी होगी, प्रयास करना होगा और मोल चुकाना होगा।
तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप मोल लेने की इस प्रक्रिया की यात्रा में शामिल हो जाएं। बेशक इसके लिए मोल चुकाना पड़ेगा, तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी और कीमत अदा करनी होगी, जैसे वक्त देना होगा और प्रयास करने पड़ेंगे और प्रभु को गहन रूप से जानने के लिए उसकी उपस्थिति में निवेश करना होगा। इस व्यक्ति ने धन के आनंद को पाने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला। सुनिए, यीशु को जानने के धन का आनंद अत्यधिक है और एक बार इस आनंद का स्वाद चखने के बाद उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और आप यीशु के साथ उसकी गहराई में उतरने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इस प्रक्रिया में आने का न्योता देता हूँ। उस खेत को मोल लेने के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने को चुने ताकि आप उसकी उपस्थिति का भंडार पाने वाले बन जाएं।